तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी, खबर दिन भर। जमशेदपुर से इस वक्त बड़ी बड़ी खबर आ रही है कि छगनलाल दयाल जी के जो स्टाफ है वो जा रहे थे पैसा जमा करने के लिए ज्वेलरी शॉप से बैंक की ओर, उसके बीच में उनके साथ हुई है लूटमार की कोशिश की गई है, तो क्या है पूरा मामला और इस मामले में पुलिस कर्मी का क्या कहना है? जी देखिए शैलू जी, आपको बता दें जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में जो है सिग्नल के पास छगनलाल दयाल जी का जो शोरूम है वहाँ के जो कर्मचारी है स्टाफ है वो आज कैश पैसा 32 लाख रुपए लेकर के कनाडा बैंक बिष्टुपुर में जा रहे थे जमा करने के लिए। उसी बीच आपके घटना घटा है, लूटपाट हुआ है कनाडा बैंक के ही सामने। जैसे इन करने वाले को उससे पहले ही अपराधियों ने पकड़कर मारपीट किया, मारपीट करके जो बैग था उनका 32 लाख रुपए का वो पूरा छीन के लेकर फरार हो गए हैं। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची है, सभी बिंदुओं पर जांच चल रहा है। और एक महत्वपूर्ण चीज ये आपको बता दें, बैंक के जो बाहर के जो दो कैमरे हैं वो खराब है और सीनियर एसपी साहब घटनास्थल पर पहुंचे हैं, उन्होंने सभी चीज पे बिंदुओं पर जांच किया है और सभी अपने पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश दिए हैं, जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए, सीसीटीवी कैमरा खंगाला जा रहा है, जांच की जा रही है। जी धन्यवाद जावेद जी, बाकी खबरों के लिए बने रहे जमशेदपुर से सोनू न्यूज के लिए। डायगोनल रोड में कंद्रा बैंक में छगनलाल फंड्स के दुकान में काम करने वाले एम्प्लॉज थे, वो लोग पैसा जमा करने के लिए आए थे सुबह 11 बजे और उस समय उनके साथ दो बंदे आके बोल रहे हैं कि हथियार बता के हम लोग से पैसा छीन लिया है और डबरी हुआ है और मालूम पड़ रहा है कि वो बैग में उनके द्वारा जो है 32 लाख का पैसा बताया जा रहा है कि बैग में 32 लाख का गया था। और अभी पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज हम लोग पकड़ रहे हैं और बाकी सब चीज़ में हम लोग काम कर रहे हैं, करीब गति में काम करते हुए जल्दी उसको हम लोग डिटेक्ट करेंगे। क्या लग रहा है, गिरोह बाहर का है या कोई वाच किया? अभी बिल्कुल निश्चित रूप से कोई ना कोई इससे अंदरूनी बात जानता हो कि ये लोग पैसा जमा करने के लिए जा रहे हैं और रेगुलर जाते होंगे, तो उसी को पूछा गया है और एग्जैक्टली क्या हुआ हम लोग थोड़ा सुनना की बात करते हैं।